अंकल आप? हाँ भाई हम। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्यों भाई, हम कोई वजीर वगैरह हैं जो आवाम में नहीं आ सकते। लेकिन अंकल आप एनसीए में क्या कर रहे हैं? अरे भाई हम भी यहीं के ग्रेजुएट हैं, हम यहाँ पे नहीं आ सकते। मैं आपके ऊपर ही रिसर्च कर रहा हूँ। हैं भाई, हम कौन सा कोई साइंस के स्पेसिमेन है जो हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे हो? खैर अच्छी बात यह है, हमने भी पाकिस्तान की बहुत खिदमत की हुई है। जी अंकल, क्या मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ? बेटा अभी तो वक्त हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। अगर इंटरव्यू करना चाहो तो मेरे साथ घर चलो। जी जी अंकल, आपके घर चलते हैं। हाँ तो चलो, मासी से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ हाँ चलो। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये हमारा पुतली घर है, आ जाओ। आओ बैठो, आ जाओ यहाँ पे बैठो। अरे भाई बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? जी अंकल मेरा नाम शिराज है। ओ भाई वाह, क्या खूबसूरत नाम है भाई, फराज। जी अंकल फराज नहीं, शिराज। अच्छा शिराज, अब वैसे फराज भी क्या खूबसूरत शायर था। और बताओ क्या हाल है तुम्हारा? अंकल हाल क्या होना है, वही हाल है जो मुल्क का हाल है। क्यों भाई, तुम भी डिफॉल्टर हो क्या? जी नहीं अंकल। और मैंने कल अखबार में पढ़ा था कि पाकिस्तान शायद डिफॉल्ट कर जाए। जी अंकल मुल्क के हालात ज़रा ख़राब हैं, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा आप तो, तुम लोग अभी तक दुआओं पर चल रहे हो। जी हाँ, आप ये बताएं कि आप आजकल किधर गायब हैं? ओ भाई मैंने कहाँ गायब होना, मैं यही आटा चीनी की लाइनों में लगा रहता हूँ। लेकिन अंकल मैं भी उधर ही होता हूँ, आप कभी नजर नहीं आए। वो पिछले दिनों मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया था। लेकिन अंकल आप तो बिल्कुल वैसे के वैसे लगते हैं। अरे भाई क्या करें, किस्तों पर बाल लगवाए थे, किस्त नहीं भरी तो वो बाल ही उतार के ले गए। अच्छा ये आपने जो तस्वीर लगाई है इसमें रौला और हैगा और ये सारे आपके दोस्त, ये किधर गए? ओ भाई वो रौला और हैगा का दुबई का वीजा लग गया तो वो वहाँ नौकरी करने चले गए हैं। और ये मासी? ओ मासी बड़ी चलाक थी, इसने अपने कुकड़ की शादी करवा दी, वो अब ये पोल्ट्री फार्म का बिजनेस करती हैं। अच्छा आप ये बताएं, अरे ये क्या चीज है? ओ ये चीज नहीं, अभी नाचीज ही है, मेरा असिस्टेंट है करतीन, पहले एनसीए पपेटियर्स में था, अब उन्होंने निकाल दिया तो अब मेरे सर पे बैठा रहता। अंकल लेकिन ये करता क्या है? अब भाई ये कुछ नहीं करता, जो करता है खराब ही करता। अंकल आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाई, काम भी करता है ये तो बहुत अच्छा है अंकल। अच्छा आप ये बताएं कि आप टीवी देखते हैं? हाँ भाई मैं तो टीवी देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आजकल खुद टीवी वाले ही टीवी नहीं देखते। कुल अंकल आपने सही कहा। और टीवी में आप क्या देखना पसंद करते हैं? ओ भाई भाई पिछले 75 सालों से तो हुकूमतों को आता जाता ही देखता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने अंकल, कोई हुकूमत ज़्यादा देर ऐसा रहती नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही है, मैं समझ गया हूँ आपका इशारा। चलें अंकल आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके इस पुतली घर में आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ओ थैंक यू, बहुत शुक्रिया अंकल, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप पे ही रिसर्च कर रहा हूँ तो आप मेरा थीसिस देखने जरूर आइएगा। हाँ जरूर बेटा, वैसे कब है आपका थीसिस? जनवरी 20 से फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट में। चलिए अंकल बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।